तो फ्रेंड आज हम आपको बताएंगे J2 कोर में चार्जिंग पिन कैसे लगाते हैं इसके बारे में। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए गाइज, इसको हम कैसे डिस्प्ले निकालते हैं, यानी कि जो आप नट जो इसको खोलेंगे मोबाइल को, ये डिस्प्ले का अंदर रहता है। तो मैं इसको कैसे गर्म करके और डिस्प्ले निकाल करके उसके बाद आपको चार्जिंग पिन लगाएंगे। तो वीडियो पर बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस देखिए, इस पर मैं मशीन पर इसको रख दिया हूँ और दस से पंद्रह मिनट के बाद आपको इस पर थोड़ा सा गर्म होने देना है और ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले छोड़ देगा। और नहीं छोड़ा तो इसको आसान से इसको डिस्प्ले को निकाल लेना है। तो देखिए ये गर्म अब हो गया होगा, तो मैं इसको देखिए और देखिए आसानी से ये निकल गया और डिस्प्ले भी बच गया। और इसको मैं सभी नट खोलेंगे बाद चार्जिंग पिन कैसे लगाते हैं। और वीडियो पर बने रहे कंटिन्यू। इसको कैसे नॉट खोला हूँ और उसके बाद मैं इसको कैसे निकालता हूँ ताकि डिस्प्ले बच जाए। देखिए डिस्प्ले तो बच ही गया है। उसके बाद मैं पेंच निकाल करके से खुल गया है। उसके बाद देखिए कैसे, यानी कि चार्जिंग पिन उसके बाद अब हॉट गन से जेक के निकाल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ। तो मैं पेस्ट इस पर डाल करके साथ ही हॉट गन से तो गाइज वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। पेस्ट लगा देता हूँ।
गर्म हवा से बैटरी के छोड़ देगा। निकाल लिए चेक, और उसके बाद मैं बिना हॉट गन को यूज किए यानी कि गर्म हवा को यूज किए ही चेक सिर्फ आयरन से बैठाएंगे। इसको साफ कर देता हूँ ताकि आसान से बैठ जा सके। देखिए कैसे आपको क्लीन करना है, तो वीडियो पर बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं इसको सबसे पहले आसान तरीके से निकाल देता हूँ। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। देखिए मैं इसको कैसे साफ करता हूँ ताकि बिल्कुल आसान तरीका से इसमें लग जाए। देखिए ये सेट हो गया, उसके बाद आपको इस पर सही से आपको आयरन आपको लगा देना है और सही से आपको इस पर बैठा देना है। तो मैं देखिए इसको कैसे बैठाता हूँ, वीडियो पर बने रहे। गाइस देखिए अब ये चेक लग गया है, उसके बाद आपको चेक करके दिखा देते हैं ये प्रॉपर तरीका से लगा है कि नहीं। तो वीडियो पर बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं चेक करता हूँ वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। तो भाई देखिए 400 कुछ दे रहा है, देखिए 450 वोल्टेज आने की दे रहा है, यानी कि सही है। उसके बाद आपको सेट करके भी दिखा देते हैं चार्जिंग, आपको मोबाइल में देखिए आपको सेट करके भी दिखा देते हैं कि सही से लगा हुआ कि नहीं। मीटर से यानी कि सही बता रहा है 100%। उसके बाद आपको
शो करके दिखाएंगे कि डिस्प्ले इस पर बचा हुआ कि नहीं, कि क्योंकि डिस्प्ले आपको गर्म करके निकाल के दिखाए हैं, गर्म करके निकाले हैं, इसीलिए डिस्प्ले पर भी आपको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए मैं जो कैसे आपको सेट करना है, वीडियो पर बने रहे। तो गाइस देखिए आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो गाइस देखिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए चार्जिंग यानी होने लगा। तो गाइस और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।